जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है एक जंगल में थे और साथ ही में हमको एक कुंड मिला। उस कुंड को आपको दिखा रहे हैं। कुंड की खासियत ये है कि कुंड में कभी पानी कम नहीं होता है। साथ ही आज आपको एक नाग देवता भी मिल गए हैं। दिखाई दिए ये नाग देवता मिल गए। और ये कुंड का दूसरा भाग है। और हो सकता है अगले जन्म में रहते हों। कभी तुम उतर के जाओ नहा के, वो भी नहीं आते साफ है। कमेंट करके बताइए। चार तुझे निकलेंगे, एक डंडी लगा दो तो चार छिड़के निकलने आएंगे। गोराव था मेरा निकलने की कोई नहीं निकली। लाठी वाठी क्या डंडी बता दो सब निकल जाएंगे। देखिए ये कुंड का ऊपरी भाग है और जो ये इधर पीछे का भाग है कुंड का, वहाँ से पानी जो कुंड का पानी स्रोत होते हुए धीरे धीरे देखने माध्यम से जंगल में बह जाता है। और घना विकराल जंगल, ये कुछ पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ लोगों का बैग रखा हुआ है और वो ऊपरी भाग है। ऊपर से नीचे हुए नीचे ये कुंड आया है और ये स्थापना हुआ है महादेव का। महादेव का इसमें क्या होता है, कुंड में स्नान करने के बाद महादेव उस मंदिर पर पूजा अर्चना करते हैं। जल चढ़ाते हैं, जल भी बढ़ते हैं। और जो है मेन मंदिर ऊपर विभाग में हम आपको दिखाएंगे, मेन मंदिर में जा करके वहाँ जल भगवान को चढ़ाते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का माहौल। बहुत सुंदर, बड़ा ही रमणीय का स्थान। परमात्मा का दिव्य ये कुंड के ऊपरी भाग है। ये दो सीमेंटेड जो है पत्र रखे हुए हैं, बहुत पुराने पत्र लगे हैं। पत्र को 20-25 साल से तो मैं ही जानता हूँ। ये जो रखे हुए हैं ये पत्र रखे हुए हैं और इन पत्रों के बीच में ये दो कुंड जिसमें पानी भरा हुआ है और पानी कभी कम नहीं होता है। पाताल गंगा भी कह सकते हैं। तो पाताल गंगा का जो है ये दृश्य मैंने कैमरे में कैद किया और लोगों को दिखाने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ पर गए हैं। अगर जो कोई गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। वीडियो को बंद करते हैं। एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।